राधे राधे दोस्तों, दीपावली और धनतेरस की आप सभी देशवासियों को आलोक राज एप्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। दोस्तों, दीपावली का महोत्सव धनतेरस के दिन से शुरू हो जाता है और धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी गणेश के अलावा धन के देवता कुबेर और औषधियों के देवता धन्वंतरि भगवान की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन किस प्रकार पूजा की जाती है। बहुत ही आसान विधि है दोस्तों, और वीडियो शुरू करने से पहले अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। धनतेरस के दिन शाम को पूजन किया जाता है। आप चाहो तो घर में चौकी लगा सकते हैं या फिर घर के मंदिर में लाल आसन लगा करके आप उसमें भी अपना पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम चावल का आसन लेके कुबेर महाराज को स्थापित करेंगे, उसके बाद लक्ष्मी गणेश को स्थापित करेंगे। घर के मंदिर में जो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है हमें उन्हीं का ही पूजन करना है। और देखिए, अगर आपके पास कुबेर महाराज या धन्वंतरि भगवान की फोटो मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी से भी पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दो पान के पत्ते ले लिए हैं, और अगर पान के पत्ते नहीं हैं तो आप दो चावल की ढेरी से भी भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि का पूजन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो पान के पत्तों पर एक एक सुपारी रख दिया है, एक भगवान धन्वंतरि के रूप में और एक भगवान कुबेर के रूप में। इतनी स्थापना करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि से पूजा ग्रहण करने की आराधना करें। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चौकी लगाई है वो उत्तर दिशा की तरफ हमको लगानी है। हमारा जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा लक्ष्मी जी और कुबेर जी की दिशा होती है। तो सबसे पहले जल के छींटे लगा करके हमने सभी को स्नान करा दिया। उसके बाद हमको कुबेर दीपक जलाना है, पीतल का दीपक लेना है। देसी घी का ये दीपक हमने एक बार अगर जला देंगे तो हम इसे हिलाएंगे नहीं, इसको हम अगले दिन ही हिला सकते हैं। अब स्नान मैंने कराई दिया था और वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर ही दिया था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमने दीपक जलाया है उसे हिलाना नहीं है, एक बार हम ये दीपक जला देंगे तो हमको ये अगले दिन ही उठाना। फिर हम हल्दी से, चंदन से, रोली से तिलक कर देंगे। कुबेर जी को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए हो सके तो कुबेर जी को पीले रंग का चंदन जरूर लगाएं। चंदन नहीं हो तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। उसके बाद सभी को रोली से तिलक कर देंगे, अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। अब धनतेरस के दिन बाज़ार से आप जो भी सोना, चांदी, पीतल, तांबा या कुछ भी आप भगवान कुबेर जी को चढ़ाने के लिए लेकर के आए हैं तो उसे वहाँ पर, या सोना चांदी कुछ भी लाए हैं आप वहाँ पर समर्पित कर दें और उसे वहीं चौकी पर ही रख दें। अब हमें इनका भी पूजन करना है, जो चीज़ आप लेकर के आए हैं उन पर भी आप तिलक कर दें और अक्षत समर्पित कर दें। अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे, तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप यहाँ पर समर्पित कर दें। धनतेरस के दिन धनिया जरूर लेकर के आएँ, तो थोड़ा सा यहाँ धनिया लेकर के आएँ और कुबेर महाराज को और हम सभी देवी देवताओं को आप समर्पित कर दें। उसके बाद धन्वंतरि भगवान को औषधियाँ समर्पित की जाती हैं। तो घर में जो भी औषधियाँ हों, जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गया, एलोवेरा हो गया, इसी के साथ हमारी किचन में लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, काली मिर्च, हल्दी, सुपारी, जो औषधियाँ होती हैं वो हम धन्वंतरि भगवान को समर्पित करते हैं, क्योंकि धन्वंतरि भगवान को औषधियों का, आयुर्वेद का देवता माना जाता है। तो घर में सभी का स्वाद अच्छा रहे इसलिए औषधियाँ जरूर से जरूर समर्पित करें। तो दोस्तों, इसके बाद हम भोग के रूप में खीर पताका सभी को, देवी देवताओं को समर्पित कर देंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पे खीर पताका सभी को समर्पित कर दिया है। और दिवाली में आप लोगों ने देखा ही होगा, खीर पताका जरूर शामिल किया जाता है। साथ में आप जो मिठाई लेकर के आए हैं उसे भी आप समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। भोग
समर्पित करने के बाद एक लोटा जल के साथ दक्षिणा समर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर हम भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करेंगे। अब हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे और उसके बाद फिर आरती करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गलती नहीं करेंगे, जो दीपक आपने जलाया था उससे आरती नहीं करेंगे, आप दूसरा दीपक जलाएंगे। अगर दीपक नहीं है तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा दीपक है और बहुत ही प्रेम भाव से कुबेर भगवान की आरती करनी है। और अगर आप कुबेर महाराज की आरती आपको ना आती हो तो आप यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी की भी आरती आप कर सकते हैं। और दोस्तों, आरती समाप्त होने के बाद आप भगवान से पूजा के दौरान हुई गलतियों की क्षमा याचना करें। और वो क्या है दोस्तों, हम अक्सर कोई ना कोई गलती कर डालते हैं, तो उसके हम लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और साथ ही साथ हम अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु जो भी हमको बोलना है भगवान से बोलेंगे। इसके अलावा हम यही कहेंगे कि आप सभी के घर भंडार हमेशा धन से भरे रहें और सभी को शुभ दीपावली। इसके बाद जो जल का लोटा है उसको हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। चंद्रमा के दर्शन अगर ना हो पाए तो हम इसको पौधे में भी डाल सकते हैं। यम का दीपक तो पता ही होगा साथियों, जो दरवाजे के बाहर शाम को जलाते हैं। तो दोस्तों, कुबेर भगवान की कृपा पाने के लिए, लक्ष्मी गणेश की कृपा पाने के लिए हमको धनतेरस के दिन कुबेर महाराज लक्ष्मी गणेश भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और घर में सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए हमको धन्वंतरी भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और आप वीडियो समाप्त करने के लिए अनुमति चाहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही जोरदार वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने बच्चों के साथ खूब मस्ती करें, खूब एंजॉय करें, दिवाली मनाएं। सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, बाय बाय।